पार्वती डैम से चार गेट खोलकर छोड़ा 5,740 क्यूसेक पानी। नादनपुर सहित करौली क्षेत्र के डांग इलाके में बरसात होने से पार्वती डैम में पानी भर गया है, जिस कारण आज शनिवार शाम को सिंचाई विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने पार्वती डैम के चार गेट खोले, जिसमें 5,740 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। सिंचाई विभाग धौलपुर के जेईएन सियाराम ने बताया कि दो गेट शाम 6:30 बजे 3-3 फुट खोले गए, उसके बाद दो गेट शाम को 7:45 पर 2-2 फुट खोले गए, जिनसे 5,740 क्यूसेक पानी पार्वती नदी में छोड़ा गया है। वहीं सिंचाई विभाग धौलपुर के एएन रामेत चक ने बताया कि इस पानी से आमजन को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन रात में यदि डैम में पानी और आया तो फिर से गेट खोलकर पानी छोड़ना पड़ सकता है। धौलपुर में खतरे के निशान से 10 मीटर ऊपर पहुंचा चंबल नदी का जलस्तर। धौलपुर जिले में चंबल नदी का उफान कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे जिले के करीब 4 दर्जन गांव में त्राहिमाम मचा हुआ है। कल शुक्रवार को चंबल नदी के उफान में कमी आई थी, लेकिन कालीसिंध डैम से पानी छोड़े जाने के बाद आज शनिवार को धौलपुर में फिर से चंबल नदी का उफान बढ़ गया है, जो शाम को 8:00 बजे 41.60 मीटर पर जाकर स्थिर हो गया। फिलहाल धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान से करीब 10 मीटर ऊपर बह रही है। सिंचाई विभाग धौलपुर के एएन रामबेहत चक ने बताया कि आज सुबह चंबल नदी का जलस्तर 140.40 मीटर था, लेकिन कालीसिंध डैम से पानी छोड़ने के बाद आज धौलपुर में लगातार चंबल नदी का जलस्तर बढ़ता गया, जो शाम को 8:00 बजे 41.60 मीटर पर जाकर स्थिर हो गया, जो खतरे के निशान से करीब 10 मीटर ऊपर है। धौलपुर में चंबल नदी का खतरे का निशान 130.79 मीटर है। वहीं चंबल नदी के पुराने पुल की ऊंचाई 141.80 मीटर है, जिस कारण चंबल नदी का पानी फिलहाल पुल को छूकर चल रहा है। वहीं चंबल नदी के उफान पर आने से धौलपुर जिले के करीब 4 दर्जन गांव प्रभावित हैं। गमा गांव के घरों में भरा बाढ़ का पानी, नहीं पहुंची सरकारी मदद। धौलपुर शहर के नज़दीक चंबल के बिहड़ों में स्थित गमा गांव के लोग पिछले 5 दिनों से सरकार की अनदेखी के कारण मुसीबतों से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके घरों में चंबल नदी के उफान पर आने के कारण नदी का पानी भर गया है और गांव में बाढ़ के हालात हैं। इस कारण पिछले 4-5 दिन से बाढ़ से जान बचाकर गांव के कुछ परिवार पास के ही गांव पाटौर में तथा कुछ परिवार शेरगढ़ के पास के चंबल के बिहड़ों में स्थित तो ऊंचे टापुओं पर रहने को मजबूर हैं, जहां अभी तक ना तो जनप्रतिनिधियों की ओर से और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से खाद्य सामग्री आदि किसी भी तरह की मदद नहीं पहुँचाई गई है। ग्रामीणों का कथित आरोप है कि अभी तक उनकी किसी ने शोध तक नहीं ली है, इस कारण उनको टापुओं पर भूखा रहना पड़ रहा है। क्या है ग्रामीणों की पीड़ा, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। बोल, मेरा नाम भाईरथ है। हमारे यहाँ चंबल में बहुत जोर की बाढ़ आ रही है, पूरा परिवार हमारा पूरा परेशान है, बहुत जोर की। एक को यहाँ सुनवाई नहीं है, खाने की ना पीने की, पशु के बात करते बहुत सुविधा, सोची ना रहे सुविधा पर सुविधा। आपका गांव कौन सा है? गमा पाटोर। आप अब इस समय आप कहाँ हैं, कौन सी जगह रह रहे हैं, गांव से कितने दूर हैं? 1 किलोमीटर। हमारे लिए टपुआ पे डरे हैं, हमने कोई काढ़वे की व्यवस्था करो, मेरे बच्चा छोटे छोटे हैं, हम जनी आदमी वहीं डरे हैं, बिना आँख इनके अन्न या दिखा तो कछु घटना में ओ हमारी जय में खाईवे की किता हूँ जगह की व्यवस्था देखो ओ हमारी कछु सुनाई करो, हम जा चमल के पानी में टपुआ पे गिरे हैं, हमने को काढ़ ले जाऊ और जय में खाईवे की छोटे छोटे बच्चे हम किता गुंजा में कहा करें, जंगल में डरे हम बीच जंगल में डरे और चारों तरफ गैल घिर गई है, कितना कड़वे गैल ना और ऊपर टपुगा पे हम घिरे हैं, हमारी ऐसी व्यवस्था करो हमने कोई कार्ड ले जावे, खानो न पीनो 4-5 दिन हो गए। गांव से आप कितनी दूर रुके हुए? गांव ते तो बहुत हम दूर है,
चम्मिलर ने घेर है बीच में न्योना कड़वे जगह ना बीच टपुगा में हम खड़े हैं और बच्चा है भूखे प्यासे रो रहे हैं और बिना दी से रोना ने और हमारी व्यवस्था का छू करो। नाम क्या है आपका? मुन्नी। गांव कौन सा है? पाटोर है। के रहने वाले हैं और मुन्नी मेरा नाम है और एक को सूर्य है और मकान हमारे बह गए बच्चा भूखे प्यासे ज़्यादा डूल रही है नहीं रो रही है कोई कढ़ाइया अतना ने और टपिया पर घरेज दिए कोई गम वाले रो रही है और काड़वे आना रहे देख रहे हैं भार रहे हैं डर के मारे आने रहे। कोई प्रशासनिक का प्रतिनिधि आया था आपसे मिलने के लिए? कोई आना रहो कोई दिखाना रहे और रो रहे हैं और डूल रहे हैं चमे रहे हैं चमल बह रही है डरप रहे हैं। नाम क्या आपका? नाम बादामी। कौन सा गांव है? गमा। अब 5 दिन आते बाढ़ आई गई है बाहर डरी हम। कोई प्रशासन का प्रतिनिधि है? पानी को ना रोटी को कोई दवाइया ना तो। आप कौन से गांव में रह रही हैं इस टाइम? अब माँ डरी है डेरा मारे तो टापन पर डेरा डरी है हमारे तो। कितने दिन हो गए आपको? 4-5 दिन आए गए कोई रोटी ना लाए रहो ना पानी दे रहा या कोई ना तो। बरसात के कारण फिर दहाड़ी शेरनी नदी सरमथुरा बशेड़ी मार्ग बंद। धौलपुर जिले के नादनपुर व ऊपर डांग में बारिश होने की वजह से एक बार फिर से शेरनी नदी उफान पर है जिस कारण सरमथुरा नादनपुर बशेड़ी मार्ग एक बार फिर से बंद हो गया है। बशेड़ी उपखंड के नादनपुर थाना क्षेत्र के शेरनी नदी एक बार फिर से दहाड़ी है जिस कारण पुल के दोनों ओर लोगों का जमावड़ा हो गया है। शेरनी नदी के पुल पर करीब 2 फुट ऊपर पानी की चादर चल रही है जिसकी वजह से सरमथुरा धौलपुर बशेड़ी मार्ग एक बार फिर से बंद हो गया है। नादनपुर से हमारे रिपोर्टर दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। कहाँ जा रहे हो आप? पानी में फंस गए हूँ जहाँ पे कम से कम 2.5-3 फुट पानी चल रहा है यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ बहुत परेशान हूँ। 2-3 घंटे हो गए मुझे खड़े खड़े अभी तो कोई आस भी नहीं है कि पहुँच पाऊंगा कि नहीं पहुँच पाऊंगा। रात कितनी देर में उतर सकती है? अभी तो करीबन 3-4 घंटे लगेंगे उतरने में। कितना पानी चल रहा है इस पुल पे? करीबन 2.5-3 फुट चल रहा है। क्या नाम है? अवधेश परमार भरपीरा। देश को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने भोलेनाथ की पिंडी पर चढ़ाई 11 किलो की चांदी। मूलतः धौलपुर निवासी हुए हाल जयपुर निवासी जाने माने समाज सेवी अनिल अग्रवाल ने आज शनिवार को धौलपुर सहित पूरे देशवासियों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए तीर्थराज मचकुंड धौलपुर स्थित लाडली जगमोहन मंदिर की भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर विशेष पूजा अर्चना व अभिषेक कराया गया। इसके बाद भगवान भोलेनाथ पर 11 किलो चांदी चढ़ाई गई। इससे पूर्व विद्वान पंडितों द्वारा विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक कराया गया। मंदिर महंत कृष्णदास ने बताया कि अनिल अग्रवाल सामाजिक कार्य में अग्रणी रहते हैं। यह अब तक तीर्थराज मचकुंड धौलपुर पर 251 गरीब कन्याओं को गोद लेकर उनकी शादी कर चुके हैं। शादी का पूरा खर्चा अनिल अग्रवाल द्वारा उठाया गया है जिन्होंने आज मंदिर में स्थित भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर देश को कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाने के लिए विशेष पूजा अर्चना कराई और भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर 11 किलो चांदी चढ़ाई तथा अभिषेक कराया। साथ ही भगवान भोलेनाथ से लोगों को कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाने की प्रार्थना की गई। कोर्ट के आदेश पर फैक्ट्री की कुर्की करने गए कर्मचारियों पर महिलाओं ने लगाए अभद्रता के आरोप। रीको धौलपुर का है मामला। रीको एरिया धौलपुर में संचालित ग्लेव्स बनाने की फैक्ट्री स्वेर हेल्थ क्लब में आज शनिवार को दोपहर नोएडा कोर्ट के आदेश पर कुछ सरकारी कार्मिक फैक्ट्री की कुर्की की कार्रवाई करने पहुंचे। इसके बाद यहां काम करने वाली महिलाओं ने इसका विरोध किया और करीब 150 महिलाएं महिला थाना पुलिस धौलपुर पहुंची जहां उन्होंने सरकारी कर्मचारियों पर अभद्रता और मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार नोएडा उत्तर प्रदेश की अदालत के आदेश पर आज कुछ सरकारी कर्मचारी सदर थाना पुलिस के साथ रीको में संचालित ग्लेव्स बनाने की फैक्ट्री स्वेर हेल्थ केयर में पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई का महिलाओं ने विरोध किया
और इस कार्रवाई से नाराज होकर करीब 150 महिलाएं पुलिस थाना धौलपुर पहुंची, जहां उन्होंने परिवाद दिया, जिसमें बताया कि 3-4 लोग हमारी फैक्ट्री में जबरन घुस आए। उन्होंने हमारे साथ मारपीट की और अभद्रता की। वहीं महिला थाना प्रभारी आशुतोष का कहना है कि मामला मारपीट का है, अभद्रता का नहीं। लोक सेवक कोर्ट के आदेश पर फैक्ट्री की कुर्की की कार्रवाई करने पहुंचे थे, जिस पर फैक्ट्री मालिक ने महिलाओं को भड़का दिया, जिसके बाद महिलाओं ने लोक सेवकों पर झूठे आरोप लगाए हैं। हालांकि महिलाओं द्वारा दिए गए परिवाद को दर्ज कर लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी बात निकल कर सामने आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं आशुतोष तिवारी, फर्स्टवेयर हेल्थ केयर में मैनेजर हूं। हमारी फैक्ट्री में नोएडा से 3 लोग आए थे, 3-4 लोग थे जो हमारी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की, मारपीट की उनके साथ। बाकी हम महिला थाने पर आए हैं लेकिन हमारा केस यहाँ पर कोई दर्ज नहीं कर रहा है। ये सारी महिलाएँ हमारे यहाँ, आप दिखा सकते हैं इनको, ये खड़ी हैं। सब लेडीज रोटी खाना खा रही थी, उन्होंने धक्का मारा था मुझे, करो ये काम बंद करो, काम बंद करो, सील लग गई इसमें फैक्ट्री में, सील बंद हो गई है ये कंपनी। भैया मैंने मेहनत काटे, मैं काम तो कर लूँ, हम तो रोजी रोजगार करने आते हैं यहाँ पे। आदमी बीमार है, 5 बच्ची है, बता कहाँ जाए काम करने, कोई है इस धौलपुर के अंदर काम करने के लिए लेडीज के लिए? आपका नाम क्या है? दयावती। अपनी ग्लव्स कंपनी, और इसमें लेडीज हैं काम करती हैं, उनका मतलब रोजी रोटी चलती है, घर परिवार चल रहा है। और आकर के जो चेक करने आए थे, जो 5 लोग थे, उन्होंने हमारी लेडीजों पर अत्याचार किए ऐसे, क्योंकि इस तरह हमारे चले गए लंच के लिए और हम ऑफिस में बैठे थे और हमारे गेट से बिना कैश में वो निकल गए आगे, और जाकर के हमारी लेडीजों पर खींचतान किया। एक जो जेंट्स भैया थे, काली जो ब्लैक शर्ट, टी शर्ट, जींस पैंट सारे ब्लैक थे, तो उन्होंने इस दयावती जो हमारी लेडीज है उसको खींचा है जोर से, तो उसके पैर में लग गई है, काफ़ी चोट आई हुई है, वो चल भी नहीं पा रही है। क्या इतनी इनकी हिम्मत है जो हमारी लेडीजों पर इतना हाथ की मुँह से भी कह सकते हैं, और हाथ पकड़ के पकड़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने जेंट्स होकर के हमारी लेडीजों पर इतना मतलब खींचतान किया। क्या ये अपनी इनकी गरीबाई का फ़ायदा उठाया? क्या हमारे जो सर वगैरह चले गए तो उनकी एब्सेंट में उनका फ़ायदा उठाया? ऐसे ये अब उनको क्या सजा दी जाए ये कुछ समझ। आपका नाम क्या है? लेडीज पर आपका नाम क्या है? अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? रमा वगैरह। पोस्ट क्या है? क्या पोस्ट? सुपरवाइजर। मेरा नाम पूजा है, मैं उस फैक्ट्री में काम करती थी। मेरे संग की लेडीज है, मतलब हम खाना खा रहे थे दयावती, वो मतलब उस मैडम जी आई थी और 3 लेडीज आदमी आए थे, उनने उन लोगों ने मालूम है क्या बदतमीजी से बात करी, गाली दे रहे थे और मतलब खाने खाते में उन्हें कह रहे थे निकलो यहाँ से, काम किसने बोला तुमसे करने के लिए? दयावती काम कर रही थी, हम पानी पी रहे थे। तो ये बताओ बोतल हाथ में लेने का या खाना खाने का छीनने का, आप लोगों के ये बताओ किसी ने मना करा ये खाना खाने का? काम कर रहे हैं, काम बंद कर रहे। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय थर्मल पावर के सामने धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल बिजली घर रोड भामतीपुरा धौलपुर। धौलपुर जिले में पहली बार अब एक ही छत के नीचे देश की 3 बड़ी नामी व विश्वसनीय कंपनियों सिंपोलो, बनबोरा व जॉनसन की टाइल्स उपलब्ध। टाइल्स की हर रेंज और हर तरह की टाइल्स मौजूद। एक बार शोरूम पर आओगे तो टाइल्स पसंद कर जरूर ले जाओगे। सभी तरह का सैनिटरी सामान भी उपलब्ध। कोरोना गाइडलाइन, लॉकडाउन व अन्य विशेष परिस्थितियों में व्हाट्सएप पर टाइल्स की कैटलॉग प्राप्त करें और टाइल्स पसंद करने के बाद होम डिलीवरी पाएं। एक से एक सुंदर व टिकाऊ एवं मनपसंद टाइल्स आपको उचित कीमत पर मिलेगी। एक बार जरूर पधारें। जय दुर्गे इंटरप्राइजेज, आनंद नगर, शेपुर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9950 51 88 18।
प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार ममोधन वाले। तीन दिन बाद झाड़ियों में अटका मिला हेत सिंह कापुरा के युवक का शव, परिजनों में मची चीख पुकार। राजाखेड़ा क्षेत्र के गांव हेत सिंह कापुरा का युवक बुधवार शाम को दिल्ली से नौकरी कर अपने घर वापस लौटा था। जानकारी के अनुसार करीब 32 वर्षीय विजय सिंह पुत्र भूप सिंह निवासी हेत सिंह कापुरा राजाखेड़ा दिल्ली में मजदूरी का कार्य करता था। बाढ़ आने की सूचना पर बुधवार शाम को वहाँ से वह अपने गाँव के लिए आया, लेकिन अंधारी घाट पर चंबल नदी का जल स्तर अधिक होने के कारण उसका अपने परिजनों के पास पहुंचना संभव नहीं था। इस पर उसने एसडीआरएफ वालों से मदद मांगी और एसडीआरएफ की बोट से तेज सिंह कापुरा उतर गया। यहां से वह अपने बलबूते नदी पार करने के लिए निकला, लेकिन वह चंबल नदी को पार नहीं कर पाया और कुछ ही क्षणों में अदृश्य हो गया। उसके बाद आज उसका शव मिला है। विजय सिंह के परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और बताया है कि पुलिस और प्रशासन को सूचना दी थी, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज शनिवार को जब चंबल नदी का जल स्तर कम हुआ है तो विजय सिंह का शव गढ़ी जाफर व हेत सिंह कापुरा के बीच झाड़ियों में उलझा हुआ मिला है, जिसके बाद विजय सिंह के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। शव मिलने की सूचना राजाखेड़ा प्रशासन को दी। इस पर प्रशासन रेस्क्यू टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचा, जहां शव को झाड़ियों से निकालकर रोड पर लाया गया और चिकित्सा विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद रोड पर ही पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। मृतक अपने पीछे तीन छोटे छोटे बच्चे छोड़ गया है, जिस कारण पत्नी के सामने अब परिवार के पालन पोषण की बड़ी जिम्मेदारी खड़ी हो गई है। मेरी विधानसभा मेरा परिवार भाजपा नेता अशोक शर्मा। कद्दावर भाजपा नेता अशोक शर्मा ने राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालातों का जायजा लिया। इसके बाद राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से फोन पर बात की और उन्होंने लोगों की समस्याओं के बारे में बताया। इस पर राजे ने पीड़ितों के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया से हालातों के विषय पर फोन के माध्यम से विस्तृत चर्चा कर अवगत कराया। उन्होंने भी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। साथ ही राजाखेड़ा के हित सिंह कापुरा के विजय सिंह जाटव की बाढ़ में बह जाने से मौत हो जाने पर भाजपा नेता अशोक शर्मा ने दुख व्यक्त कर संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ ही पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करने की बात कही है। 90 मिनट की बारिश से वशेड़ी की सड़कें बनी दरिया, दुकानों व घरों में घुसा पानी। दो दिन बाद आज शनिवार दोपहर वशेड़ी में करीब 2:30 बजे अचानक आए मौसम के बदलाव से एक ओर जहां आमजन को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर यहां बारिश आमजन के लिए आफत भी साबित हुई। दोपहर 2:30 बजे हुई बारिश मूसलाधार करीब 1.5 घंटे तक जारी रही, जिससे बसेड़ी की सड़कें दरिया बन गई। बयाना मोड़ से लेकर हवेली थोक, सदर बाजार सहित कई इलाकों की सड़कों पर जलभराव हो गया। जलभराव के चलते कई निजी दुकानों में पानी घुस गया, जिसके बाद दुकानदार पानी को बाहर निकालने के लिए मशक्कत करते देखे गए। इसके अलावा हवेली थोक, कुंडा कॉलोनी, पीताम्बरा कॉलोनी, नयाबास आदि इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे आमजन जूझता हुआ नजर आया। 1.5 घंटे तक हुई बारिश ने वसीड़ी नगर पालिका के पानी निकासी की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। चोरों ने ताला तोड़कर पार किए सोने चांदी के गहने और नकदी। जिले के बाड़ी थाना क्षेत्र के रानपुर रोड गुम्मट क्षेत्र में शुक्रवार शनिवार की रात को चोरों ने एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर बंद कमरे का ताला तोड़कर अलमारी में रखे सोने चांदी के गहनों के साथ 15,000 रुपये की नकदी पार कर ली गई। घटना की जानकारी सुबह घर की महिलाओं व अन्य परिवारी जनों को हुई तो मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए। इसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पीड़िता सुनीता पत्नी पप्पू कुशवाहा ने बताया कि वह अपने घर में पशुओं के बाड़े में सो रही थी। उसकी बुजुर्ग सास घर के कमरे के बाहर सो रही थी। देर रात्रि को चोरों ने घर पर धावा बोला और कमरे एवं अलमारी का ताला तोड़कर सोने चांदी के गहनों के साथ 15,000 की नकदी को पार कर ले गए। अल सुबह जब वे जागे तब उन्हें घटना की जानकारी हुई।
घटना के बाद बाड़ी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। और चौवे निकाल ले गए, एलवाई का तारा तोड़ो, एलवाई की भरोरा मारो, एलवाई की चाबी ढूंढ गए और चौवे निकाल ले गए चीज़ें बरते सोने की दरें में ये अंगूठी है और मंगन सूट है और मैं मोड़ी मोड़ा की चीज़ें बरते ही नहीं पता रही 15,000 रुपया है कौन नहीं और तोड़िया चांदी की। आपने थाने में रिपोर्ट दी थी? दे दी थाने में रिपोर्ट। जिला अस्पताल धौलपुर में विश्व स्तनपान सप्ताह का हुआ समापन, माताओं को समझाया स्तनपान का महत्व। जिला अस्पताल धौलपुर की मदर मिल्क बैंक में आज शनिवार को विश्व स्तनपान सप्ताह का समापन समारोह संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह शिखरवार रही। मुख्य अतिथि ने माताओं को स्तनपान का महत्व, इसकी जरूरत है, इसके फायदे के बारे में बताया। साथ ही सभी माताओं को अपने बच्चों को स्तनपान जरूर कराने की अपील की। वहीं मदर मिल्क बैंक के प्रभारी एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धर्म सिंह मैनावत ने बताया कि विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इसे लेकर पूरे सप्ताह अस्पताल परिसर में विभिन्न तरह की गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें माताओं को स्तनपान के महत्व और जरूरतों के बारे में समझाया गया। आज इस सप्ताह का समापन किया गया है। इस दौरान बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरिओम गर्ग, डॉक्टर वीडी व्यास, डॉक्टर अशोक जिंदल, नर्सिंग अधीक्षक महेंद्र त्यागी, के सोनी, रविशंकर शर्मा सहित नर्सिंग स्टाफ एवं महिलाएं मौजूद रहीं। आज विश्व स्तनपान दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय के मिल्क बैंक में विश्व स्तनपान दिवस मनाया गया, जिसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो धात्री महिलाएं जो अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, उनके लिए स्तनपान के क्या तो जरूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं और क्या उसका महत्व है, उसके बारे में विस्तार से समझाया गया। उनको ये भी बताया गया कि जो जीवन में छोटे बच्चे के लिए दूध का, माँ के दूध का कितना महत्व है, उसके बारे में बताया गया, उसकी क्या क्या इसके फायदे मिलेंगे और इसके बारे में बता गए कि उसके आचरण के बारे में, उसके संस्कार के बारे में क्या इसका महत्व रहता है और क्या इसको अपन बढ़ाने की आवश्यकता है, क्यों बढ़ाने की आवश्यकता है, इस सभी के बारे में विस्तृत रूप से वार्ता की गई। सब लोगों को समझाया गया इस वार्ता में, डॉक्टर हरिओंकर, डॉक्टर वीर व्यास, डॉक्टर अशोक जिंदल, डॉक्टर धर्म सिंह मैनावत, हमारे दोनों नर्सिंग अधीक्षक बहन त्यागी जी, के सोनी जी, हरिशंकर शर्मा जी और जू जी इंचार्ज हैं, समस्त स्टाफ उपस्थित रहा और इन्होंने एक प्रण लिया है कि जितनी महिला रहेंगी हम उत्साहित करते रहेंगे स्तनपान के लिए, जिससे महिला का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, साथ में बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जैसा कि सभी को पता है, विश्व स्तनपान सप्ताह जो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है, इन 7 दिनों में हमारे जिला चिकित्सालय एवं मदर मिल्क बैंक इनके सहयोग से विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही थी, जो आज 7 अगस्त को समापन समारोह है। समापन समारोह में हमारे पीएमओ साहब ने यहां पर जच्चाओं को, नर्सिंग स्टूडेंट्स को विश्व स्तनपान सप्ताह के बारे में विस्तृत चर्चा करी और यह विश्व स्तनपान सप्ताह माँ को जागरूक पैदा करने के लिए मनाया जाता है। आज समापन समारोह में कई माँओं का सम्मान किया गया। द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर चाइल्ड, AVM कॉन्वेंट स्कूल। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण। AVM कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हां, हर बात में बेहतर, आपका अपना स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन नर्सरी से कक्षा 12 तक। गर्मियों के कपड़ों का स्पेशल और नया कलेक्शन खरीदिए ऑफर में, ब्लैकबेरी, एनल सोली, पीटर इंग्लैंड, प्यूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों की टी शर्ट, जीन्स, शर्ट आदि उचित दाम पर उपलब्ध हैं। अलग अलग कंपनियों के कपड़ों पर अलग अलग प्रतिशत में छूट ऑफर,
इसके अलावा बच्चों के कपड़े, फ्रॉक, नेकर, टी शर्ट, पार्टी वियर कपड़े भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम बिक्की बाबू की कोठी के सामने पुलिस चौकी के बगल में कोठी धौलपुर। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक घंटे में पकड़ा बाइक चोर, बाइक भी बरामद। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने गांव मांगरौल से चोरी हुई एक मोटरसाइकिल को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना के महज एक घंटे के अंदर ही सघन नाकाबंदी कर मोटरसाइकिल चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी से चोरी की गई मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया है। थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि थाना इलाके के गांव बिचोला निवासी राधेश्याम पुत्र लज्जाराम अपनी मोटरसाइकिल से गांव मांगरौल में पूर्व सरपंच के घर पर दूध डालने गया था। मोटरसाइकिल को वह बाहर खड़ी कर दूध देने जैसे ही अंदर गया तो एक व्यक्ति उस मोटरसाइकिल को चोरी कर धक्का देकर आगे ले गया और आगे जाकर मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर उसे लेकर फरार हो गया। लेकिन पूर्व सरपंच के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में मोटरसाइकिल चोरी की सारी घटना कैद हो गई। घटना के बाद पीड़ित द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की सूचना मनिया थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने सूचना मिलने पर तुरंत ही चारों तरफ से सघन नाकाबंदी कराकर सीसीटीवी फुटेज के सहायता से महज एक घंटे के अंदर ही बकचौली मोड़ से आरोपी रामदत्त पुत्र निहाल सिंह निवासी बिचोला थाना मनिया को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने चोरी की गई मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया। पुलिस आरोपी से मनिया एवं धौलपुर जिले में हुई वाहन चोरी की अन्य घटनाओं को लेकर भी पूछताछ कर रही है। कल मांगरौल कसवाला पूर्व सरपंच के यहाँ से अज्ञात व्यक्ति द्वारा चलाई गई मोटरसाइकिल को पुलिस थाना मनिया द्वारा नाकाबंदी के दौरान एक घंटे के बाद ही बरामद करने में और उसको चुराने वाले करने में सफलता हासिल की है। उक्त मोटरसाइकिल को दूध देने के लिए दूधिया जैसे घर के बाहर खड़ा करके अंदर गया था, उसी समय अनदेखी करके और एक व्यक्ति द्वारा चला लिया गया था, जिसमें सरपंच के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तुरंत नाकाबंदी कराई गई और उसे बलचौली मोड़ से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल। ई मित्र प्लस ऑपरेटर संघ के पदाधिकारियों ने जयपुर में कांग्रेस विधायक को दिया ज्ञापन। राजस्थान के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर कार्यरत ई मित्र प्लस ऑपरेटरों के द्वारा ई मित्र प्लस ऑपरेटर संघ के बैनर तले आज शनिवार को धौलपुर निवासी प्रदेश अध्यक्ष अरुण शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक चेतन डूड़ी से जयपुर में मुलाकात की, जिसमें राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर कार्यरत ऑपरेटरों को स्थायी करने और नियम अनुसार मानदेय देने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष अरुण शर्मा ने बताया कि स्थायी करने और नियम अनुसार मानदेय देने की मांग को लेकर गत दिनों माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में हमारी ओर से एक याचिका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत दायर की गई, जिसमें एडवोकेट भगवान गुर्जर के द्वारा पैरवी की गई। याचिका को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। विधायक को ज्ञापन देने वालों में ई प्लस ऑपरेटर संघ के धौलपुर निवासी प्रदेश अध्यक्ष अरुण शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष राजाराम लालावत, प्रदेश सचिव भरत कुमार वणका, कोषाध्यक्ष नंदलाल प्रजापति आदि शामिल हैं। मैं अरुण शर्मा, ई मित्र प्लस ऑपरेटर संघ समिति राजस्थान से प्रदेश अध्यक्ष। आज हमने जयपुर के अंदर कांग्रेस विधायक चेतन डोड़ी साहब से मुलाकात की और साथ ही साथ हमने अपनी कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हमने उनसे जो मांग की है वो एक तो हम भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में 2014 से कार्य कर रहे हैं, उसमें हम स्थायी नियुक्ति मांगते हैं और साथ ही साथ हम मानदेय मांगते हैं, जो कि धारा 1948 के तहत जो भी हमारा बनता है सरकार से हम वो मांग करते हैं। हम 2018 से सरकार से काफ़ी समय से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमारी एक भी नहीं सुनी। उसके बाद हमने 3 तारीख को हाईकोर्ट जयपुर के अंदर याचिका दायर की। याचिका दायर करने के बाद में जज साहब ने जो हमारी याचिका थी वो एक्सेप्ट कर लिए, स्वीकार कर दिए और आगामी 45 दिनों के अंदर हाई कोर्ट से 31 पार्टियां बनाई हैं। उन 31 पार्टियों के लिए सरकार नोटिस भेज रही है और उनसे जवाब मांग रही है। कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। बाल कल्याण समिति ने डीईओ को दिया आदेश।
बाल कल्याण समिति धौलपुर द्वारा आज शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी को आदेशित किया गया कि जिले के जिन स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन की पालना कर शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बाल कल्याण समिति धौलपुर के सदस्य गिरीश गुर्जर ने बताया कि धौलपुर में कुछ सरकारी और गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में कोरोना गाइडलाइन के विपरीत शैक्षणिक गतिविधियाँ चल रही हैं, जिसको लेकर बाल कल्याण समिति को एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है। इस शिकायत के आधार पर बाल कल्याण समिति ने कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को आदेशित किया है कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करें जो कोविड 19 की गाइडलाइन की पालना न करते हुए राज्य सरकार के आदेश के विपरीत विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियाँ संचालित करवा रही है। समिति सदस्य नरगेश शरीफ ने बताया कि बाल कल्याण समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि बच्चों के जीवन से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सभी शिक्षण संस्थाओं को कोविड 19 गाइडलाइन की पालना करनी ही होगी। मचकुंड धाम धौलपुर को श्री कृष्णा सर्किट में जुड़वाने के लिए सीएम के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन। मानवाधिकार सुरक्षा संगठन धौलपुर के जिला अध्यक्ष चंद्रवान चौधरी की अध्यक्षता में आज शनिवार को धौलपुर एसडीएम भारती भारद्वाज सीएम अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें मचकुंड धाम श्री कृष्णा सर्किट में जुड़वाने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया है कि मचकुंड धाम समिति द्वारा मचकुंड धाम को केंद्र सरकार की श्री कृष्णा सर्किट में शामिल कराने की लगातार मांग की जा रही है, जिसका समर्थन राजनीतिक दल, विधायक, राजनेता, समाज सेवी संगठनों ने भी किया है। मानवाधिकार सुरक्षा संगठन भारत धौलपुर भी इस मुहिम का समर्थन करता है, क्योंकि मचकुंड धाम भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली में शामिल है, इसलिए इसे भी केंद्र सरकार की श्री कृष्णा सर्किट योजना में शामिल किया जाना चाहिए। इससे तीर्थराज मचकुंड का विकास होगा और पर्यटन के क्षेत्र में भी उतरेगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ज्ञापन देने वालों में लकी राणा, विक्रम सिंह, अजीत परमार, विनोद चाहर, दीपेंद्र राणा, विक्रम सिंह आदि शामिल हैं। दाऊदयाल शर्मा ने संभाला सीबीओ का चार्ज, शिक्षक संघ सियाराम ने किया जोरदार स्वागत। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम उप शाखा बाड़ी द्वारा नवनियुक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा का आज पगड़ी बांधकर एवं माल्यार्पण कर प्रदेश संगठन मंत्री सुरेश भारद्वाज के नेतृत्व में स्वागत किया गया। भारद्वाज ने बताया कि हाल ही में शिक्षा विभाग में लगभग 300 अधिकारियों को विभिन्न पदों पर पदोन्नत किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में अरविंद शर्मा को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, केदार गिरी को जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक, महेश कुमार मंगल को प्राचार्य डाइट धौलपुर एवं दाऊदयाल शर्मा को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बाड़ी के पद पर पदस्थापित किया गया है। प्रदेश संगठन मंत्री सुरेश भारद्वाज ने नवनियुक्त सीबीओ दाऊदयाल शर्मा से शिक्षा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के हित में कार्य करने तथा शिक्षकों की लंबित समस्याओं का तुरंत समाधान करने की मांग रखी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा ने संगठन के पदाधिकारियों को आश्वासित किया कि किसी भी शिक्षक को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। भाजपा नेता बाचाराम बघेल ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के भाजपा नेता बाचाराम बघेल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है, जिसमें चंबल में आई बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग की है। पत्र में बताया गया है कि राजाखेड़ा उपखंड की चार ग्राम पंचायतें बसई गियाराम, फरासपुरा, चीलपुरा और महदपुरा चंबल किनारे से लगी हुई है। गत 2 वर्ष पूर्व भी चंबल में बाढ़ से भीषण तबाही हुई थी, पूरी तरह से जनजीवन ठीक भी नहीं हो पाया था कि फिर से अब उन्हें बाढ़ से अत्यधिक नुकसान हुआ है, जिससे आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। पत्र में भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री से नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है, साथ ही अभी तुरंत प्रभाव से चारा और अनाज समान रूप से सभी को बांटवाने की मांग की है। स्वदेशी जागरण मंच धौलपुर की बैठक में दिया स्वदेशी चीजें अपनाने पर जोर। स्वदेशी जागरण मंच धौलपुर जयपुर प्रांत की बैठक आज शनिवार को जिला संयोजक विजय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में रिलैक्स फिजियोथेरेपी सेंटर घंटाघर धौलपुर में आयोजित की गई। बैठक की विधिवत शुरुआत मुख्य अतिथि प्रांत मुख्य संगठन मनोहर शरण ने भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर एवं फूल माला अर्पित की गई। मुख्य अतिथि का जिला संयोजक विजय श्रीवास्तव एवं दायित्वान कार्यकर्ताओं ने साफा बांधकर एवं फूल माला पहनाकर स्वागत किया। बैठक में मुख्य अतिथि मनोहर शरण ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विदेशी कंपनियों के उत्पाद देश के अंदर बहुतायात मात्रा में व्यापारियों द्वारा बेचे जा रहे हैं,
इससे देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, क्योंकि मुनाफा सारा का सारा विदेशी कंपनियां अपने देश को ले जा रही हैं। देश के उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इससे स्वदेशी कंपनियां बंद होती जा रही हैं और बेरोजगारी विकराल रूप लेती जा रही है। इसलिए सभी को स्वदेशी चीज़ें खरीदनी चाहिए और उपयोग में लेनी चाहिए। हम सभी कार्यकर्ताओं को जन जन तक यह आवाज़ पहुंचानी चाहिए। बैठक में ओम प्रकाश कोहली, गिरीश पारासर, कीर्ति सिंह राजावत, मुकेश गोयल, डॉक्टर अमित सक्सेना, डॉक्टर रामतार त्यागी, अरविंद तिवारी, पूर्व पार्षद कमल पहाड़िया, राधेश्याम सक्सेना, दिग्विजय सिंह राजावत, भीमसेन कुशवाहा आदि कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने विचार प्रकट किए। प्रभारी मंत्री से की मिट्टी के अवैध खनन को रोकने और सड़क की मरम्मत कराने की मांग। वैसेना धौलपुर सड़क की मरम्मत कार्य एवं मिट्टी के अवैध खनन को रुकवाने की मांग को लेकर कल ग्राम बैसाख, वैसेना और समौला के ग्रामवासियों ने प्रभारी मंत्री भजन लाल जाटव को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि वैसेना धौलपुर सड़क से मिट्टी का अवैध खनन होता है, जिसके कारण यहाँ से डंपर और ट्रैक्टरों का आवागमन ज़्यादा हो रहता है। यही कारण है कि यह सड़क पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुकी है। रास्ते में काफ़ी गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिसमें पानी भरा रहता है, जिससे दोपहिया वाहन व पैदल चलने वाले यात्री आए दिन फिसल कर गिर जाते हैं और चोटिल होते रहते हैं। ज्ञापन में ग्रामवासियों द्वारा मांग की गई है कि धौलपुर बैसेना सड़क की मरम्मत कराई जाए एवं बीहड़ से हो रहे अवैध मिट्टी खनन को सख्ती से रुकवाया जाए। ज्ञापन देने वालों में श्यामलाल, रामेश्वर प्रसाद, रामबरन, संजय प्रताप, सत्य प्रकाश, जगदीश, श्रीनिवास शर्मा, ब्रजेश मौर्य, साहब सिंह, जितेंद्र सिंह, बलवीर सिंह, रविंदर कुमार, रामेश्वर प्रसाद सहित अन्य ग्रामवासी शामिल रहे। निषाद समाज ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दी राहत सामग्री। आज श्री राम सखा गृह राज्य निषाद सेवा समिति के द्वारा राजाखेड़ा उपखंड के गांव अंधियारी में बाढ़ पीड़ितों को राशन सामग्री वितरित की गई, जिसमें गांव के लगभग 150 परिवारों में प्रत्येक परिवार को राशन सामग्री के तौर पर राशन की भी सभी जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराई गई। इस दौरान गंगा प्रसाद जज, पूर्व उप जिला प्रमुख राजेंद्र महेश चंद, खुशी राम हजारी लाल, भीमसेन रामसेवक, पदम सिंह, नारायण सिंह तेजपाल, सोनू रामहित, ग्यासी राम, नरेश सतेंद्र, लालहंस जितेंद्र, कप्तान सिंह एवं समिति के अन्य लोग भी मौजूद रहे। किशोरी के शव का पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। बुधवार के दिन संदिग्ध अवस्था में द्योली थाने के पास 16 वर्षीय किशोरी का शव मिला था, जिसके शव को पहचान के लिए राजाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया था। द्योली थाना प्रभारी वीदाराम ने बताया कि 3 दिन में शव की पहचान न होने पर आज शनिवार को राजाखेड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हेड कांस्टेबल सुनहरी लाल की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा दिया गया, जिसके बाद शव को राजाखेड़ा नगर पालिका को अंतिम संस्कार के लिए सुपुर्द कर दिया गया है। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को